हेलो एवरीवन माय नेम इज़ रंजिता वेलकम बैक टू माय चैनल सो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है हम आपके लिए देखेंगे कि आने वाला मंथ आपके लिए क्या लेके आ रहा है और ये बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होगी मैंने यहाँ बहुत से कार्ड्स रखे हैं आपके लिए हम देखेंगे ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं नेक्स्ट मंथ सो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ठीक है ताकि आप मेरी एनर्जी वेब में होंगी तो ये जो रीडिंग्स हैं आपको और रेजोनेट करेंगी सेकेंडली बहुत लोग मुझे यहाँ बोलते हैं इस जॉडिए की रीडिंग कर दीजिए तो इट्स इम्पॉसिबल गाइज क्योंकि पर्सनल रीडिंग पर्सनल होती है कलेक्टिव रीडिंग कलेक्टिव होती है तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या है क्या डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे कांटेक्ट करें मैं आपकी पर्सनल रीडिंग अपनी पर्सनल रीडिंग लें और मैंने नीचे मेंशन की हुई है अपनी ईमेल आईडी आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट करें थर्ड मैं बहुत जल्द इंस्टाग्राम पे भी लाइव फ्री रीडिंग करने वाली हूँ मैंने अपनी लास्ट वीडियोस में भी मेंशन किया है तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं ठीक है सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर एंड ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो हेलो कैप्रिकॉन सो लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है दिसंबर में आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है सो so, कैप्रिकॉन कैप्रिकॉन दिसंबर का मंथ कैसा रहेगा कैप्रिकॉन वॉट द थीम ऑफ द मंथ ओके ओके सो कहीं ना कहीं कैप्रिकोन आप अपने आप को गार्ड करके बैठे हैं गार्ड मतलब कि ना आपको ऐसा लग रहा है कोई आपको धोखा दे देगा कोई आपको चुपके से देख रहा है और कहीं ना कहीं आप लोगों को चुपके से देख रहे हैं यहाँ पे ना कुछ ऐसा लग रहा है फिशी सा नजर आ रहा है मुझे आपको लग रहा है जैसे चीजें ना आपको धोखा मिल रहा है ठीक है आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे वो एनर्जी दिख रही है कि ये जो सेवन नंबर है ना सिक्स और सेवन सेवन और एट नंबर मुझे यहाँ बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा है तो सेवन इज ऑल अबाउट इल्यूजन्स ठीक है वो आपके मन में कुछ ऐसी चीजें कर देगा कि आपको यू uh, नो you know, जो सच नहीं है वो भी दिखाएगा तो और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं यू you नो know, इससे पहले ये हो मैं ये कर दूंगा और कहीं ना कहीं आप इस मंथ ना आपको ऐसा यू नो इट पॉसिबल कि लोग आपको चीट करें इट पॉसिबल ठीक है ये कुछ ही कुछ लोगों के लिए है और कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा जैसे कहते हैं ना प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन आपकी बिल्कुल जीरो लग रही है ठीक है और आ, नो इट्स अ समथिंग ओके सो ओके सो यहां पर आया है आपके लिए एट ऑफ स्वर्ड सिक्स ऑफ वर्स टेन ऑफ पेंटिकल ओके सो यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है मुझे कैप्रिकॉन आप नेक्स्ट मंथ कहीं मूव कर रहे हैं कहीं जा रहे हैं कहीं जैसे कहते हैं ना कोई फैमिली टाइम इंजॉय कर रहे हैं कुछ फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ना जैसे कहते हैं कुछ कम्पलीट हो रहा है यहाँ पे ठीक है कुछ आ, आप बहुत ही हैप्पी जोन में जा रहे हैं दिसंबर के मंथ में और कहीं ना कहीं जो ये वाली एनर्जी है ना एट ऑफ स्व कहीं ना कहीं आपने अपने आप को कुछ चीजों में बांधा हुआ है जैसे कहते हैं ना आप बहुत ही विक्टिम मेंटालिटी में कहीं ना कहीं कही आप किसी चीज से ना डील कर रहे हैं पास्ट कर्मा हो सकता है अपने पास्ट की हुई चीजों को आप uh, जैसे कहते हैं ना आप नए दरवाजे नहीं देख पा रहे हैं आप अपने आप में सिमटे हुए हैं लेकिन दिसंबर का मंथ इज ऑल अबाउट सिक्स सिक्स मतलब यू नो यू आर गोइंग टू अ विक्ट्री यू आर गोइंग टू वर्ड्स पैशन अपने, अपने, को फॉलो करने के लिए चल दिए हैं ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं ना आपका घोड़ा जिस पे आप सवार हैं वो आपको डिच कर देता है आप आगे बढ़ते हैं आप फिर पीछे जाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं फिर पीछे जाते हैं लेकिन जो इस मंथ है और कहीं ना कहीं ना फैमिली बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है कहीं ना कहीं हम मैं देख रही हूँ बहुत ही हैप्पी फैमिली यहाँ मुझे दिख रही है और यहाँ पे दो लोग हैं कहीं ना कहीं जिनसे आप डील कर रहे हैं प्लस यहाँ पे बहुत सी काफी लोगों की ना नजरे आप पर है कैप्रिकॉन डेफिनेटली मैं देख सकती हूँ यहाँ पर आपकी किसी चीज में ना जैसे कहते हैं अब नजर लग रही है मुझे ऐसा फील हो रहा है कुछ चीजें कंप्लीट हो रही हैं यहाँ पे एस ऑफ कप्स भी है ऐसा लग रहा है कि समबड़ी वॉन्ट्स टू गिव कहते ना प्यार का कप देना चाहता है लेकिन आप इस वाली मेंटेलिटी में है आपने आप ना पट्टी बांध ली है अभी इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे पास्ट की किसी चीज से ना आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं अपने ही थॉट प्रोसेस में घूम रहे हैं लाइफ चाहती है आप विक्ट्री की तरफ जाएं और सक्सेस की तरफ जाएं, पर आप कहीं कहीं और ही घूमें अपने ही थॉट प्रोसेस में घूमें ठीक है देखते हैं आपके लिए जैन से क्या गाइडेंस आ रही है सो कैप्रिकॉन यहाँ पे मुझे सैटर एनर्जी भी बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है टेन एनर्जी भी दिख रही है तो कु पॉसिबल आपको थोड़ा सा ना आपके आस बहुत एनर्जीज़ दिख रही है मुझे इसीलिए शायद आप बहुत ज़्यादा फ्रिजाइल भी हो रहे हैं हो सकता है कि आप अनवेल भी हो थोड़ा okay, सा न, आपके लिए ओशो ओशोजेन से क्या आ रहा है वट गाइडेंस इज कमिंग फॉर कैफ्रिकॉन बियॉन्ड इल्यूजन वाह वाह कैप्रिकॉन तो आने वाला टाइम और आने वाली चीजें आपके लिए अबंडेंस लेके आ रही है बियड इल्यूज़ मतलब जितना आपने सोचा भी नहीं होगा ना उतना अच्छा होने वाला है और आपको बस क्या करना है ना ये, जो, जो ये समय है ना जो बुरा समय आपने पास्ट में या फिर कुछ समय से गुजार रहे हैं उससे आप बाहर आए क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी छाप आपके माइंड पे और कहीं ना कहीं आपके अंदर इतनी ज्यादा कहते ना बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और आप कहीं ना कहीं अब अपने आप में भी ना सेल्फ डाउट भी प, पैदा कर रहे हैं बियॉन्ड इल्यूजन जिसे कहते हैं ना अपनी इल्यूजन से बाहर आइए और कहीं ना कहीं अबंडेंस सी किंग ऑफ पेंटिकल अगेन किंग ऑफ पेंटिकल इज अ कैप्रिकॉन एनर्जी तो अप, आपको आप ही की एनर्जी डिफाइन कर रही है कैप्रिकॉन एनर्जी इज ऑल अबाउट जिसके पास जमीन है जिसे कहते हैं ना खूब सारा पैसा है अबंडेंस है जिसके पास हर चीज है जो उसे चाहिए उसके पास सब कुछ है सी ये वाले कार्ड कितना ज्यादा रिच है रेनबो है इस कार्ड में ठीक है और यहाँ पे सन और मून जैसे कहते हैं ना कहीं ना कहीं आपको अपनी वाटर और फायर एनर्जी को मेंटेन करना है कहीं ना कहीं आप बहुत ही ज़्यादा कभी एक्साइटेड हो जाते हैं कभी थोड़े लो हो जाते हैं तो थोड़ा बैलेंस लेकर आइए ठीक है एक रास्ता बनाइए बीच का अपने आप को हाई रखने का फिर आप अगर हाई होते हैं तो फिर आप धड़म से नीचे गिर जाते हैं हो सकता है कि आप लोग तो में से कुछ लोग लेजी भी हो रहे हैं किसी चीज को लेकर थोड़ी मुझे डिसअपॉइंटमेंट भी दिख रही है आपको आप ना किसी पास्ट की चीजों से डिसप्वाइंट हैं और या माँ ओके नॉलेज ऑफ लॉ राइटनेस इन एक्शन ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ स्टडी फास्टनेस इन द फैक्ट ऑफ जजमेंट डेफिनेटली यहाँ पे अगर कुछ लोग लॉयर हैं जजेस हैं अगर इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो गो इट यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड आया है और अगर किसी लॉ किसी कानूनी कितना ना पेच पेचों से गुजर रहे हैं तो उसमें भी मुझे आपके लिए जैसे कहते हैं ना कहीं ना कहीं ना आप लॉ जैसे कहते हैं ना कानून क्या सही है क्या गलत है इसमें फस रखे हैं और रिक्वायरमेंट एंड राइटनेस इन एक्शन और कहीं ना कहीं आप रिजिड भी हो रहे हैं कि आप ही सही हैं शायद ओवरकमिंग द फियर ऑफ डेथ और कहीं ना कहीं ना अब आपके अंदर जितने भी फियर्स थे ना वो सब खत्म हो जाएंगे एंड स्टेड फास्टनेस इन द फेस ऑफ जजमेंट अब जब जिसे कहते हैं ना दिस इज योर जजमेंट डे नाउ जितनी चीजों को आपने सब्र से जैसे कहते हैं ना सब्र दिखाया हुआ है अब आपको उसका फल मिलेगा ठीक है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ना ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है यामा ठीक है तो अगर यहाँ पे कुछ लोग डिवोटेड हैं कृष्णा के तो आप प्लीज कृष्णा को भी इन्वोक कर सकते हैं उनकी एनर्जीज को भी लेके आ सकते हैं ताकि आप थोड़े प्लेफुल हो ठीक है सो दैट्स इट कैप्रिकॉन एंड आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड आई सी यू माई नेक्स्ट वीडियो टिल दिन बाय टेक केयर